तो अगर लाइन में दो वेक्टर है या फिर ऑपोजिट साइड में दो वेक्टर है तो इसको कैसे ऐड करना है हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, चलो अभी देखते हैं। अगर तुम्हारा दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उसको कैसे हम निकालेंगे उसका रिजल्टेंट। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, लेट अस टेक थ्री वेक्टर्स ए बी और सी, सॉरी दो वेक्टर है, ठीक है, दो वेक्टर, थ्री वेक्टर्स नहीं, टू वेक्टर्स, एंड ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? वी नो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम तुम्हारे क्या कहता है, इन ए ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे तो ये सपोज सी है, देन दिस हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये क्या है तुम्हारा, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तुम्हारा यहां पे पी और बी क्या है, सपोज ये अगर तुम्हारा कुछ एंगल थीटा लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा बेस और ये हो जाएगा तुम्हारा हाइट। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सी स्क्वायर, दिस इंप्लाइज योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू योर सी स्क्वायर, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अगर तुम वेक्टोरिकली देखोगे तो क्या होगा, ये ए प्लस बी इक्वल्स टू योर सी, सॉरी सॉरी हाँ, ये दोनों वेक्टर का अगर मिला के ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इंप्लाइज हियर, ये सी का जो मैग्नीट्यूड है, सी इक्वल्स टू योर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, दिस इंप्लाइज योर आर, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दिस इक्वल्स टू योर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उसका जो जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या निकलेगा, ये सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करके निकालेंगे। तो फिर ये तुम्हारा जो ये तुम्हारा क्या है यहां पे, ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर, दिस रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है तुम्हारा आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन हम निकालेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, सपोज लेट अस टेक दिस एंगल एज अल्फा, ओके, इसको अगर नेमिंग कर देता हूं मैं, ये सपोज तुम्हारा ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लेट एंगल ए इक्वल्स टू योर अल्फा। तो इसका अभी देखो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है, ये तुम्हारा ए वेक्टर के साथ कितना एंगल कर रहा है, ये है तुम्हारा अल्फा एंगल। तो इससे हमारा पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या होगा। तो अभी देखो, एज इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल में तुम्हारा टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू होता है तुम्हारा क्या, पी बाई बी। यहां पे तुम्हारा पी कौन सा है, यह है तुम्हारा पी और यह है तुम्हारा बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी बाई ए। ठीक है, दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू योर टेन इनवर्स बी बाई ए, ये है जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब क्या है, मतलब वो कि ये जो तुम्हारा ये वेक्टर के साथ कितना एंगल करता है, इसी से पता चल गया, क्योंकि तो हमारा ए का डायरेक्शन पता है। ठीक है, अगर हमको पता चल गया कि ए के साथ ये तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल करता है और कितना एंगल तुम्हारा बना रहा है, तो फिर उसी से हमको उसका डायरेक्शन पता चल गया। ठीक है, मैग्नीट्यूड भी पता चल गया,
और डायरेक्शन में पता चल गया। एक वेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, यही दोनों चीज तो चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, सब कुछ मिल गया हमको, ठीक है। लेकिन सारे केसेस तुम्हारा ऐसे नहीं होगा, ठीक है, तुम्हारा सारे केसेस तुमको हर वक्त ऐसा नहीं मिलेगा कि तुम्हारा लाइन जो तुम्हारा दो वेक्टर है वो आइदर पैरेलल है नहीं तो फिर परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब तुम्हारा दोनों वेक्टर सब कुछ ऐसा, तो एक वेक्टर है ये, एक वेक्टर है ऐसा, और दूसरा कोई वेक्टर है सपोज जा रहा है ऐसा, सपोज ये वेक्टर और ये बी वेक्टर, फाइंड द फाइंड आर, रिजल्टेंट कितना बताओ। अभी क्या तुम बता पाओगे? नहीं ना। चलो अभी सीखते हैं। अगर ऐसा तुम्हारा दोनों वेक्टर है जहां पे दोनों कुछ एंगल में, ये एंगल, कुछ एंगल में ये जा रहे हैं, तो फिर हम कैसे निकालेंगे इसको जो रिजल्ट है, ठीक है। तो ऐसे मतलब सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे पास है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करने के लिए कुछ लॉज है, हम उसी को अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लॉज हमको क्यों चाहिए, क्योंकि सारे केसेस में हमको ऐसे वेक्टर नहीं मिलेंगे जैसे कि आपका मतलब सेम लाइन में जा रहे हैं या फिर परपेंडिकुलर में जा रहे हैं। सेम लाइन में जा रहे हैं तो वेक्टर को ऐड करना इजी है या सबट्रैक्ट करना इजी है, लेकिन सारे केसेस तो ऐसे नहीं हो सकता। जब ये दोनों केसेस से अगर मतलब डिफ्लेक्शन होगा आपका केसेस है, बाहर कहीं पे अगर कुछ केस मिल गया जैसे कि यहाँ पे मिल गया, मतलब हम कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। ये सब चीज निकालने के लिए आपको रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे केसेस में हमारे लिए है लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो नॉर्मली हमारा जो लॉज है ये थ्री लॉज। एक फर्स्ट है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ, थर्ड है तुम्हारा पॉलीगन लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ। चलो पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है तुम्हें ट्रायंगल लॉ? इट स्टेट्स दैट स्टेटमेंट, ये लॉ का स्टेटमेंट है, इफ टू वेक्टर्स, ये मैं बता रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, फिगर बता रहा हूं डायरेक्ट। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स, जैसे तुम्हारा ट्रायंगल लॉ है उसका नाम, ये हम ट्रायंगल में इसको सॉल्व करना है। तो सपोज ये एक तुम्हारा ट्रायंगल है, यहां पे क्या बता रहा है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड, सपोज दोनों वेक्टर तुम्हारा ए है और बी है, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स, दोनों वेक्टर क्या है एक ट्रायंगल का दो साइड में रिप्रेजेंट करो, इन द सेम ऑर्डर, हियर ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर, मतलब आइदर तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है नहीं तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे देखो ये क्या है तुम्हारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है और बी भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, मतलब डायरेक्शन सेम नहीं है लेकिन ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स है ये क्या है सेम ऑर्डर में है, देन द रिजल्टेंट आर इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक
ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर, थर्ड साइड मतलब ये एक साइड गया, ये एक साइड, ये दोनों साइड के दोनों वेक्टर्स ले लिए, थर्ड साइड बच गया कौन सा, ये वाला साइड, ये जो बड़ा वाला साइड, ठीक है। तो दिस थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट द वेक्टर आर, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन ऑपोजिट ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर में होता तो फिर इसका डायरेक्शन क्या होता, ऐसे होता, ठीक है। अगर सेम ऑर्डर में होता तो इसका डायरेक्शन ये होता, लेकिन ये वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये होगा आपका ऑपोजिट ऑर्डर में, तो मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा ये, ये इसके, ये वेक्टर का डायरेक्शन और ये वेक्टर का, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन इन सेम ऑर्डर है, लेकिन ये जो वेक्टर का है इसका इन ऑपोजिट ऑर्डर, सो द रिजल्टेंट विल बी इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। सपोज ये एक ट्रायंगल तुम्हारा पी क्यू और आर, सो पी क्यू रिप्रेजेंट योर वेक्टर ए, क्यू आर रिप्रेजेंट योर वेक्टर बी, देन द रिजल्टेंट विल बी योर पी आर, द डायरेक्शन विल बी फ्रॉम पी टू आर, ठीक है। ये है तुम्हारा ट्रायंगल लॉ। तो अभी ये लॉस है, हमको क्या करना है, हमको निकालना है इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समझ में आया। देखो और एक बार बता रहा हूं, अगर एक ट्रायंगल का दो साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये तुम्हारा साइड वन है और ये है तुम्हारा साइड टू, ये दोनों साइड को दो वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन द थर्ड साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट, तो ये थर्ड साइड जो है इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, बट इन ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है, इसका जो डायरेक्शन होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। चलो इसको हम अभी ये लॉस है, हम उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं वो जो रिजल्टेंट वेक्टर का, वेक्टर का, ठीक है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, ठीक है। टू मेजर, टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, लेट अस इसको यहां तक बढ़ा देते हैं और यहां से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमको सबसे इजी पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट एंगल, क्योंकि हम यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। सो ये पी क्यू आर था, ये सपोज तुम्हारा एस, ठीक है। तो यहां से क्या किया हमें, एक्सटेंड पी क्यू अप टू एस एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम आर टू एस, आर से एस तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। तो हमको अभी कितना ट्रायंगल मिल गया, एक तो था, पहले था तुम्हारा एक ट्रायंगल था क्या पी क्यू आर, थ्री ट्रायंगल्स तुमको मिल गया, थ्री ट्रायंगल्स, एक है तुम्हारा पी क्यू आर जो पहले से था, अभी दो ट्रायंगल नया मिला है, एक है तुम्हारा क्यू आर एस और एक है तुम्हारा पी आर एस। अभी ये दोनों को हमको लेना है, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, ठीक है। हमको ये दोनों ट्रायंगल अभी चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में इजीली सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको पाइथागोरस थ्योरम पता है, ठीक है। टेक दिस टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको लेकर हम अभी सॉल्व करेंगे। सो पहले ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल से हमको आर मिलेगा,
ठीक है। नाउ नाउ फ्रॉम द ट्रायंगल PRS, फ्रॉम द ट्रायंगल PRS, ठीक है। और एक बात याद रखो, यहां पे जो AB है ना, A वेक्टर एंड B वेक्टर, एंगल कितना है इन दोनों के बीच? एंगल है, एंगल बिटवीन A एंड B, ये है तुम्हारा कितना? थीटा। तो ये एंगल जो है ये थीटा है, दिख रहा है? ये जो एंगल है ये तुम्हारा कितना है? थीटा एंगल है। तो ये सब अभी निकाल देता हूं, अभी एक मैं क्लीन इमेज बना लेता हूं। तो तुम्हारा ये था एक वेक्टर, ये था और एक वेक्टर, ये तुम्हारा ए, ये तुम्हारा बी, इन दोनों के बीच एंगल था तुम्हारा थीटा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये था तुम्हारा एस और ये था तुम्हारा रिजल्टेंट वेक्टर आर, ठीक। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये है तुम्हारा राइट एंगल। नाउ इन द ट्रायंगल पी आर एंड एस, ठीक है, पी आर एस, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, मुझे बताओ तुम्हारा पी आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, पाइथागोरस थ्योरम, तुम्हारा क्या होगा? पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा? पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। बट हमको तो पी एस पता नहीं है, ठीक है, और एस आर भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हारा पी एस इज इक्वल टू योर पी क्यू प्लस क्यू एस, सो दिस इज योर पी क्यू प्लस क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। तो इसको हम अगर हम लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा? ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू एस प्लस एस आर स्क्वायर। अभी देखो हमको तो पी क्यू तो पता है, पी क्यू इक्वल्स टू यू नो दैट इट इज योर ए, एंड क्यू आर इक्वल्स टू वी नो दैट इट इज योर बी, एंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस टू पी आर इक्वल्स टू योर आर। लेकिन हमको ये जो क्यू एस, क्यू एस और एस आर, ये दोनों हमको पता नहीं है, ठीक है। चलो अभी अभी इन दोनों को पहले निकलते हैं। नाउ सी द ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल, एक तो हो गया था हमारा पीआरएस और एक बच गया था हमारा क्यूआरएस। इन ट्रायंगल क्यूआरएस, ठीक है, ये है तुम्हारा एंगल थीटा, तो ये अगर एंगल थीटा है, हमको पता है साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? पी बाई एच, साइन थीटा इक्वल्स टू होता है पी बाई एच। अगर ये तुम्हारा थीटा है तो ये तो हो गया तुम्हारा बी और ये हो जाएगा तुम्हारा पी, हाँ कि नहीं? जो थीटा को, जो थीटा के पास जो साइड होता है वो बी होता है और उसी का ऑपोजिट साइड में जो होता है वो होता है पी। तो ये हो गया पी और ये हो गया तुम्हारा एच इसी ट्रायंगल में, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना होगा तुम्हारा?
ये P और ये H, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एस आर बाई क्यू आर, दैट इक्वल्स टू एस आर डिवाइडेड बाई क्यू आर। हमको पता है क्यू आर इक्वल्स टू योर बी, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इक्वल्स टू एस आर बाई बी, दिस इंप्लाइज एस आर इक्वल्स टू योर बी साइन थीटा। एक मिल गया हमको एस आर इक्वल्स टू बी साइन थीटा। सिमिलरली हमको अगर देखेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है क्या होता है बी बाई एच, तो ये हो जाएगा क्यू एस बाई क्यू आर, क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू आर। दिस इंप्लाइज क्यू एस इक्वल्स टू योर क्यू आर इक्वल्स, क्यू आर इक्वल्स टू अगेन क्या है तुम्हारा बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये बी कॉस थीटा। दोनों मिल गया हमको, एस आर भी मिल गया और क्यू एस भी मिल गया। हमको यही दोनों चाहिए था, एस आर भी चाहिए था और क्यू एस भी चाहिए था। ये क्यू एस ठीक है, इसको थोड़ा क्यू एस, यही दोनों हमको चाहिए था, एक था तुम्हारा एस आर और एक था क्यू एस। चलो इसको पुट कर लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा ये रिजल्टेंट का स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। ये देखो क्यू एस स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू पी क्यू इंटू क्यू एस, टू पी क्यू इज योर ए क्यू एस इज योर बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा प्लस एस आर, एस आर स्क्वायर इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी देखो यहां पे है तुम्हारा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम बी स्क्वायर को कॉमन ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इक्वल्स टू योर वन, यही करना है हमको। ठीक है, यहां पे आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख देते हैं, ए स्क्वायर ये दोनों को पास पास ले आना है, बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस और एक टर्म बच गया ये प्लस टू ए इंटू बी कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका आर वेक्टर, जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है ये। ठीक है, मिल गया हमको मैग्नीट्यूड कितना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। चलो अभी डायरेक्शन निकलते हैं, डायरेक्शन सपोज लेट दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा, लेट
आर मैक्स एंगल बीटा विथ योर ए वेक्टर, ठीक है। बस हमको बीटा निकलना है, यही तो डिरेक्शन देगा कि ए के साथ ही कितना एंगल में जा रहा है, ठीक है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल पी एस आर टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई बी। तो ये हो गया आपका पी और ये हो गया तुम्हारा बी, दैट इक्वल्स टू योर आर एस डिवाइडेड बाई योर पी एस, ठीक है। तो आर एस और पी एस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आर एस था तुम्हारा कितना, आर एस था इक्वल्स टू बी साइन थीटा और क्यू एस था तुम्हारा बी कॉस थीटा। बट यहां पे देखो पी एस इक्वल्स टू कितना है, पी एस इक्वल्स टू पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा ये वेक्टर, दैट इक्वल्स टू योर ए प्लस क्यू एस इक्वल्स टू योर बी कॉस थीटा। तो टेन बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज योर टेन बीटा इक्वल्स टू आर एस, आर एस मतलब ये बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये कितना है पी एस ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है तुम्हारा वो एंगल। हम तो अगर बीटा निकालेंगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है तुम्हारा वो डायरेक्शन, मतलब ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल में जाएगा, ठीक है। ये देखो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, इसे देखो अगर नहीं दिख रहा है तो, ठीक है। तो हमको ऑलरेडी मिल गया कि तुम्हारा जो मैग्नीट्यूड था वेक्टर का, मैग्नीट्यूड था आर का जो मैग्नीट्यूड है दैट इक्वल्स टू योर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और जो डायरेक्शन है बीटा, ये डायरेक्शन ठीक है, बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये है तुम्हारा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी बताओ कि ये जो रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड कब सबसे ज्यादा होगा, व्हेन व्हेन आर विल बी और मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल बी मैक्सिमम, कब होगा बताओ, व्हेन दिस थीटा इज मैक्सिमम, सो आर विल बी मैक्सिमम आर मैक्स, दिस इंप्लाइज थीटा विल बी योर मैक्सिमम, थीटा का सॉरी कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। सो आर विल बी मैक्सिमम आर विल बी मैक्सिमम व्हेन कॉस थीटा इज मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना है, दैट इक्वल्स टू योर वन। जब भी तुम्हारा ये वन हो जाएगा कॉस थीटा देन आर विल बी योर मैक्सिमम, सो व्हेन कॉस थीटा इक्वल्स टू वन
सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कितना आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल्स टू योर वन, बट दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी क्या है, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट योर ए प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू योर सिंपली, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ योर आर इज योर ए प्लस बी व्हेन cos theta is your maximum. Cos theta maximum means cos theta equals to 1, and this cos theta equals to 1 when your theta equals to 0 degree. जब भी तुम्हारा a और b के बीच एंगल तुम्हारा 0 degree होगा तभी तुम्हारा r will be maximum. तो कब 0 degree मतलब क्या है, मतलब दोनों वेक्टर तुम्हारा क्या है एक ही लाइन में जा रहे हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ए और ये हो गया बी, एंगल कितना है 0 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही तुम्हारा मिनिमम वैल्यू कब होगा, मिनिमम वैल्यू, सो आर विल बी मिनिमम व्हेन दिस कॉस थीटा इज योर मिनिमम, एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा कितना है तुम्हारा -1 व्हेन दिस थीटा इक्वल्स टू योर 180 डिग्री, व्हेन दिस थीटा इज 180 डिग्री, कि नहीं, सो आर विल बी मिनिमम व्हेन दिस कॉस थीटा इज मिनिमम, and we know that minimum value of cos theta equals to your -1 when theta equals to your 180 degree, ठीक है, and the minimum value कितना होगा, r minimum का value हो जाएगा, और calculate करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा a minus b, क्योंकि a square plus b square यहाँ पे कितना cos theta -1 हो जाएगा, तो ये -2 भी हो जाएगा कि, और हमको पता है a square plus b square minus 2 b is nothing but your a minus b whole square, ठीक है, और देखो यहाँ पे होगा a और b परपेंडिकुलर होंगे, तो ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है, परपेंडिकुलर a और b दोनों परपेंडिकुलर मतलब theta equals to 90 degree, अगर theta 90 degree हो गया we know that cos theta cos 90 is your 0, सॉरी टोटल टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आर इक्वल्स टू योर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये तो हो गया तुम्हारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट है तुम्हारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट है पैरेललोग्राम, बस ये हो गया, इसको हम और जो दोनों लॉ है पैरेललोग्राम लॉ, ये क्या कहता है, अगर ये एक पैरेललोग्राम है पी क्यू R and S, parallelogram law states that ये क्या कहता है, अगर दोनों वेक्टर तुम्हारा, if two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram, मतलब ये हो गया तुम्हारा एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट साइड है, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर, ठीक है,
then your R will be represented by the diagonal of the parallelogram. So ये हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो तुम्हारे सारे वेक्टर ओरिजिनेट हो रहे हैं यहीं से ही, ठीक है। सारे का ओरिजिन तुम्हारा एक ही पॉइंट से हो रहा है, एक तुम्हारा जा रहा है इधर वन वेक्टर, एनदर वेक्टर इज एनदर साइड, एंड द तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा रिजल्टेंट इज द डायगोनल। ये है तुम्हारा ए, ये है बी, और ये एक ही पॉइंट, सारे वेक्टर एक ही पॉइंट से यहां से ही ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये यहां इसका डायरेक्शन यहां है, इसका डायरेक्शन इधर है, और ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन यही है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ क्या कहता है? देखो अगर दो वेक्टर है हमारे पास तो उसी का रिजल्टेंट कैसा है उसी को हम तो पता चल गया, मींस वी कैन फाइंड आउट बाय टू लॉज, वन इज देयर ट्रायंगल लॉ, अनदर इज योर क्या है पैरेललोग्राम लॉ। लेकिन जब मोर देन टू वेक्टर्स है तो उसी केस में हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो दिस पॉलीगन लॉ इट स्टेट्स दैट पॉलीगन लॉ का कितना साइड होता है, इसका कोई साइड फिक्स नहीं होता है, जितना चाहे उतना लगा लो। पॉलीगन लॉ टेल्स दैट इफ देयर आर ए नंबर्स ऑफ वेक्टर एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ये क्या है एक पॉलीगन है, सपोज ये एक पॉलीगन है और ये पॉलीगन का साइड को क्या रिप्रेजेंट करता है, एक एक वेक्टर अगर रिप्रेजेंट करता है और एक एक वेक्टर को एक एक साइड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, देन द क्लोजिंग साइड विल गिव यू द रिजल्टेंट, ठीक है। अगर ऐसा तुम्हारा सपोज अभी देखो ए बी का अगर तुमको समझ में आया ना क्या बोला मैं, देखो ये एक पॉलीगन है, सपोज ये पॉलीगन में हमको सपोज पांच वेक्टर का सपोज यहां पे नहीं, ये चार वेक्टर का हमको क्या निकालना है रिजल्टेंट निकालना है, तो चार वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए हमको क्या हो रहा, एक पांच साइड वाला एक पॉलीगन लेना पड़ेगा। तो पांच साइड का सपोज ये जो फर्स्ट साइड है ये सपोज तुम्हारा ए वेक्टर का रिप्रेजेंट करता है, ये बी और ये सी और ये डी, ये तुम्हारा चार वेक्टर हो गया, तो द क्लोजिंग साइड विल गिव, तो ये लास्ट साइड है क्लोजिंग साइड, तो दिस वेक्टर विल गिव यू द रिजल्टेंट, ठीक है, इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ये सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में है बट ये रिजल्टेंट जो है ये अपोजिट ऑर्डर है, ये तुम ऐसा समझ सकते हो ये कि एक तुम्हारा ट्रायंगल्स लॉ का ये सिंपली एक एक्सटेंडेड वर्सन है। क्योंकि देखो यहां पे देखो अगर ए बी का तुम रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये सो ये आर वन, ये दोनों का क्या है, ये दोनों का रिजल्टेंट है ये। अगर ए बी और सी का रिजल्टेंट निकालना है तो ये देखो हमको क्या करना है, सिंपली ये जो आर वन है ये दोनों ये तो ऑलरेडी ए बी का रिजल्टेंट है, और ये देखो ये और फिर और एक तुम्हारा ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल में ये तुम्हारा ए बी का जो रिजल्टेंट था ये एक साइड हो गया, ठीक है। तुम्हारा आर वन प्लस सी इक्वल्स टू अगेन फिर से तुम्हारा आर टू बन जाएगा, अगेन तुम जब आर टू के साथ इसका रिजल्टेंट निकालो तो पूरा रिजल्टेंट निकल जाएगा, ठीक है। और एक बार बता रहा हूं, अगर एक पॉलीगन में तुम्हारे डिफरेंट फैक्टर्स द रिप्रेजेंट द
sides of a polygon in same order, then the closing side will give you the resultant, but in opposite order. ठीक है, ये है तुम्हारा polygon law of vector addition. ठीक है.